नागपुर आज से करीब 300 साल पहले 1702 में बसा था, जिसे बसाने वाले हैं गोंड राजे भक्त बुलंद शाह। सीताबेड़ी, बाठोड़ा, गाड़गा और हरिपुर जैसे 12 गांव को मिलाकर नागपुर को बसाकर गोंड राजे ने इसे राजधानी का दर्जा दिया। नागपुर को बसाने वाले गोंड राजे आज तो नहीं रहे हैं, मगर उन्हें और उनके वैभवशाली साम्राज्य की याद दिलाता है उनका समाधि स्थल जो सक्करदरा में स्थित है। कहने को तो यह स्थल हेरिटेज है, जिसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका की है, मगर ना ही NMC इस ओर ध्यान देती है और ना ही जनप्रतिनिधि। गोंड समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि नागपुर में जिस तरह अन्य धार्मिक स्थलों का करोड़ों रुपए देकर विकास हो रहा है, उसी तरह गोंड समाज के इस प्रतीक का भी विकास होना चाहिए। इस विषय पर NBCN ने समाज के सदस्य संतोष धुर्वे से बात की है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हम फिलहाल खड़े हैं सक्करदरा परिसर के उस महत्वपूर्ण जगह पर जहां पर नागपुर को बसाने वाले राजा भक्त बुलंद शाह की कब्रें हैं, साथ ही उनके वंशजों की भी कब्रें हैं। मगर ये जगह तो हेरिटेज है, मगर हेरिटेज कुछ इस प्रकार है। यहां पर हर कब्र जो है टूट गई है, नागपुर महानगर पालिका के पास इसकी जिम्मेदारी है कि वह रखरखाव करे। हर बार पेपर में इस जो ये जो जगह है उसके बारे में खबरें छपती है, उसके बाद नागपुर महानगर पालिका कुछ काम कर लेती है, मगर उसके बाद फिर यही स्थिति यहाँ की होती है। सिर्फ जब त्योहार होता है तब साल में एक बार लोग आते हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है वो ठीक करते हैं, मगर उसके बाद फिर से वही दौर जो है रहता है। और आज जो स्थिति आप देख रहे हो वो यही है कि ये जो हेरिटेज है राजा भक्त बुलंद शाह की कब्रें, वो उनकी स्थिति खराब है, ना इस और कोई ध्यान देने वाला है ना कुछ, और यही हर बार देखने को मिलता है। इस जगह की वजह से यहाँ पर आसपास के लोग जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप अगर मेरे दाई तरफ देखेंगे तो लोगों ने पूरा कचरा फेंक के रखा है, साथ ही शराब के बोतलें और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मगर वो देखने को मिलती है। यह एक स्थल ऐसा है जो धार्मिक स्थल भी जिसे कहा जा सकता है, काफी लोग यहाँ पर आते हैं साल में एक बार और वो यहाँ पे पूजा अर्चना भी करते हैं, मगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार नजारा देखने को मिलता है। आसपास के रहने वाले लोग जो है यहाँ पर अपने घर का कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ही परेशानियां होती है, साथ ही इस महत्वपूर्ण स्थल की गरिमा को भी ठेस पहुंचती है।
हमारे साथ गोंड समाज के अध्यक्ष हैं जो अपने एक समाज सदस्यों के साथ यहाँ की देखरेख देखते हैं और हर साल कार्यक्रम भी करते हैं और साथ में साफ सफाई भी। इनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से वो हर साल अपना योगदान देते हैं और उनकी क्या मंशा है कि जो शहर प्रतिनिधि है या जो समाज के लोग है और यहाँ की संस्थाएं है जो विकास का काम देखती है नागपुर महानगर पालिका, उन्होंने क्या काम करना चाहिए। मुझे बताइए कि जो नागपुर महानगर पालिका है उनके अंडर ये पूरी जमीन आती है, वो ही देखरेख करती है, आपको क्या लगता है कि क्या विकास होना चाहिए इस जगह का? और आपने एक इतिहास की बात बताई कि राजा ने ये जमीन संस्था को दी थी और उसके एवज में यहाँ का विकास होना चाहिए था, तो वो क्या बात है? जैसे कि सभी लोग जानते हैं, देवगढ़ के राजे भक्त बुलंद शाह, इन्होंने 1702 में नागपुर शहर की स्थापना की थी। तब यह इसके आजू बाजू में कुछ 12 गांव थे, 12 खेड़े थे, जिनको मिला के उन्होंने नागपुर शहर की स्थापना की थी, नागपुर की नींव रखी थी। अब कुछ उसके कुछ के बाद की पीढ़ी में ये कुछ मतलब ये बहुत सारी जगह थी, बहुत बड़ी जगह थी, कुछ 35-40 एकड़ से भी ज़्यादा कुछ तो भी जगह थी। तो बहुत सी जगह उन्होंने NIT को, मतलब NIT ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये जगह हमको शहर विकास के लिए आप दे दीजिए, हम यहाँ बस्ती बसाएंगे वगैरह, ऐसा कुछ तो भी था। तो उन्होंने जो थी मतलब पिछले पीढ़ी के राजा ने कुछ जगह जो यहाँ की NIT को दी थी, और साथ में NIT से उन्होंने मतलब एक बात ये भी बोली थी कि लेकिन जो हमारी जो घाट की जगह है, कुछ 3.5 एकड़ जो घाट की जगह है, उसको आप सुरक्षित और संरक्षित रखोगे और इतिहास जिंदा रहेगा, या हमारे पुरखाओं का इतिहास जिंदा रहेगा, पुरखाओं की समाधियाँ कुछ ऐसे आप बनाओगे कि लोग यहाँ पे आ सके, ताकि उसके माध्यम से जो है वो समाधियों के माध्यम से इसका सौंदर्यीकरण होने के कारण, जैसे अन्य ऐतिहासिक चीज़ों का अपन संरक्षण करते उसी तरह से भी गोंड समाज का जो इतिहास है वो आप जिंदा रखोगे, जिंदा करोगे, ऐसी उनकी मतलब अपेक्षा थी, जिसपे कि NIT या NMC आज तक खरी नहीं उतरी है। तो अभी आप क्या चाहते हो कि किस तरह से इस जगह का विकास होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए? आप अगर देखेंगे तो पूरी जो 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 जगह है वो पूरी खराब हो चुकी है, जो कब्रें हैं वो भी खराब हो चुकी है, उसका किस प्रकार से रखरखाव होना चाहिए? अब होता है कि सगाजन, बहुत से सगाजन जो है NIT में जाते हैं, नेताओं के पास में भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से हमें आश्वासन सिर्फ प्रॉमिस के अलावा कुछ मिलता नहीं। पेपरों में पढ़ने में आता है कि कभी 80 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी बोलते हैं कि 15 करोड़ मतलब सैंक्शन हो, कभी बोलते 30-35 लाख रुपए मतलब सैंक्शन हो गए, लेकिन ये सिर्फ वो नेताओं की घोषणाएं होती है। अब प्रत्यक्ष में पेपरबाजी दिखती है, लेकिन प्रत्यक्ष में जो है ग्राउंड रूट पे कभी काम, ग्राउंड रूट पे जो है वो काम नज़र नहीं आता, ग्राउंड रूट पे वो काम कभी नज़र नहीं आता। तो हमारा कहने का मतलब है कि भाई हम तो पिछले 10-15-20-25 सालों से हम देख रहे हैं कि घोषणा ही हो रही है, घोषणा ही हो रही, काम तो जमीन स्तर पे कुछ हो ही नहीं रहा। अभी जहाँ हम खड़े हैं, अभी आपको बता दूँ कि यहाँ से 4-5 साल पहले आप यहाँ पे खड़े भी नहीं रह सकते थे, यहाँ पूरी तरह से जंगल था, जंगल हो गया था, एक भी समाधि नजर नहीं आती थी। तो हम सगाओं से मतलब हम गोंडियन सगाओं से हमसे ये चीज नहीं देखी गई कि हमको ऐसा लग रहा था कि NIT NMC कभी तो कुछ भी करेगी, लेकिन जब देखा हमने कि NIT NMC कुछ भी नहीं कर रही है, तो फिर हमने अपनी तरफ से चंदा इकट्ठा कर अपनी तरफ से पैसा इकट्ठा कर आज कम से कम 2-2.5 लाख रुपए हमने खर्चा कर यहाँ का जंगल साफ किया। और यहाँ हर साल हम लोग जागतिक मूलवंशी दिन का मतलब ट्राइबल डे का प्रोग्राम मनाते हैं, इंडिजिनस डे का प्रोग्राम मनाते हैं, उस बहाने से हम साफ सफाई करते, पेड़ों की कटाई हमने की, साफ सफाई हम की, और ऐसा चल रहा है, कर रहे, चूंकि यहाँ के नेता लोग, स्थानीय नेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं, NIT NMC कुछ नहीं कर रही है, तो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, हर साल कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम लोग। तो आप जब चुनाव आते हैं तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आते हैं आपकी तरफ वोट मांगने, क्या उनके तरफ आप ये मांग रखते हो कि यहाँ का विकास होना चाहिए? क्या कितने लोग हैं गोंड समाज के नागपुर में? देखिए गोंड पूरे नागपुर शहर में कम से कम 4 लाख से ज्यादा गोंड की बस्तियां है, ज्यादा गोंडों की मतलब बड़ी बड़ी बस्तियां, जहाँ 10-15 हजार गोंड रहते हैं, ऐसी भी बस्तियां हैं, और अन्य जगहों पे जो रहते हैं सिविल एरिया में वो अलग चीज़ है। लेकिन होता क्या है, ऐसा देखने में आता है कि गोंड समाज को गोंड समाज की धरोहरों को, उनके इतिहास को सरकार मतलब स्थानीय प्रशासन ये कोई तवज्जो नहीं देती, कोई महत्व नहीं देती, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अभी तक के इतिहास में जहाँ तक है, मुझे लगता है कि भक्त बुलंद शाह जी का एक जो पुतला इन्होंने बनाया वहाँ पर अपना संविधान चौक बाजू में जो है, उसके अलावा तो मेरे को NMC और NIT का गोंड समाज के प्रति ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उन्होंने गलती से तो ना बना दिया हो, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है गोंड समाज के लिए, ऐसा कुछ भी दिखता नहीं।
जो समाज जैसे अन्य समाज है, आज हम देख रहे हैं कि नागपुर शहर में पूरा कायाकल्प हो रहा है, पूरा रिनोवेट हो रहा है नागपुर शहर, है ना। तो हम देखते हैं कि जिनका इस शहर के लिए कोई एकदम योगदान नहीं रहा, जिनको लोग नहीं पहचानते, उनके आप लोगों ने बड़े बड़े पुतले बना के रखे हुए हैं। हमें उससे गुरेज नहीं है, हमें ऐतराज नहीं कि हम उनके लिए क्यों कर रहे हो। दीक्षा भूमि करोड़ों अब्जू रुपया खर्चा करके आप दीक्षा भूमि बौद्ध भाइयों के लिए आपने दीक्षा भूमि विकसित की, मुस्लिम बहन भाइयों के लिए आपने भी दरगाह ताजबाग मतलब आपने उसका भी उद्धार किया, चल ही रहा काम, ऐसे कई अब्जू करोड़ों के काम चल रहे हैं। लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न पड़ता है कि भाई जिन्होंने आपको ये शहर दिया, जिस राजाओं ने ये शहर आपको दिया रहने के लिए, जिस शहर पे आप बसे हो, वो गोंड समाज के प्रति आपके मन में घृणा क्यों है? आप उनसे भेदभाव क्यों रखते हो? क्योंकि हम तो बोल सकते नहीं कि आप भेदभाव रखे, चूंकि तभी तो आप इसका काम नहीं कर रहे हो, नहीं तो आज कम से कम 30-40-35 सालों में इसका कुछ ना कुछ कायाकल्प हो जाना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो काम इसका हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो हमें ऐसा लगता है स्थानीय प्रशासन गोंडी संस्कृति, गोंडी इतिहास, गोंडवाना की इतिहास इसको बढ़ावा देना नहीं चाहती, या गोंड समाज से वो अपनत्व नहीं रखती है, मुझे ऐसा ही कुछ लगता है। समाज सदस्य का यही कहना है कि जिस प्रकार से नागपुर के अन्य ठिकान है, जैसे दीक्षा भूमि हो, बाबा ताजुद्दीन का दरगाह हो, या फिर अन्य जो धार्मिक स्थल है उनका विकास हो रहा है, उसी तरह इसी स्थल का भी, इस स्थल का भी जो है विकास हो, और जो गोंड समाज की धरोहर है उसका भी विकास होकर भविष्य में आने वाले जो समाज के लोग है या फिर नई पीढ़ी है उनको भी अपना इतिहास इस रूप में पता चले। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, BCN न्यूज़ नागपुर।